शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो, इस स्टोरी में तुम्हारा रोल बहुत पावरफुल है, इसलिए पैसा भी बहुत मिलेगा। मैं थूकती हूँ ऐसे पैसों पर जो किसी का खून बहाकर कमाया जाए, चाहे मेरे जाने क्यों न चली जाए। मैं ऐसा गंदा जलील नीच काम हरगिज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। मेरे कानों में ना की आवाज आते ही मेरे शरीर में गुस्से का एक भूचाल आ जाता है। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं बुढ़े, समझा अपनी लड़की को? बेटी, इस कमीने की बात कभी मत मानना। अरे नीच, वो ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगी। कभी नहीं करूंगी। नहीं करोगी, कोई बात नहीं। बाप की मौत के बाद अपनी माँ और बहन की मौत देखना चाहोगी या वो करोगी जो मैं कह रहा हूँ? बोलो। गुड, वेरी गुड, आई लाइक, समझदार लड़कियां मुझको पसंद है। गुड गुड गुड। अब तुम ही बताओ शाह, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अब मैं ये घिनौना खेल नहीं खेल सकती। खेल तो अब शुरू होगा जहाँ खून भी बहेगा और लाशें भी गिरेंगी, और जीत होगी राधा और शाम की। अंकल, अंकल, आपने तो मेरी काया ही पलट डाली। ओ, मेरी तकदीर बदल डाली। आपकी प्रार्थना एकदम सफल हो गई। पकड़ा, ये राधा ना ना करने वाली शादी के लिए हाँ हाँ करने लग गई। मैं यहाँ हूँ शाम। अरे अंकल, आप तुम कह रहे थे राधा ने हाँ कर दी, मतलब भोले बाबा ने सुन ली? अरे अंकल, कभी तो कहती है योर माय डार्लिंग, कभी कहती है आई एम मिसिंग यू, अरे कभी कहती है आई एम किसिंग यू। अरे मुझे तो अपनी मोहब्बत की रेलगाड़ी मिली। इंजन तो दिख रहा है, मगर रेलगाड़ी किधर है? ओ सॉरी, आजा मेरी रेलगाड़ी। और जुड़ गई इंजन से। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ में भी शराब? पापा, आज से सब कुछ बदल गया। बदल गया मतलब? सोने वाला जागने वाला है, जागने वाला सोने वाला है, हंसने वाला रोने वाला है। देखना, अब हमारा थर्ड पार्ट कर देंगे सबका बॉयकॉट। गाजर को करेला कर देंगे और बांसुरी की तरह सुरीला कर देंगे। अरे आज ये बहुत खुश है, जोड़ी जम गई ना। हाँ, हम तुमको भी जमा देंगे। हाँ, जमा देंगे। मुझे? अरे मुझे कैसे जमा दोगे, मैं कोई कस्टर्ड हूँ, कुल्फी हूँ, दही हूँ। लगता है तुम दोनों को बहुत चढ़ गई है। तुम भी पी लो ना, तुमको भी चढ़ जाएगी। पी लो। नहीं पीना पापा, तुम पीकर सच बोलने लगते हो। मैं नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मेरी राधा के मिलने की खुशी में भी नहीं पियोगे क्या? नहीं, थोड़ी सी पी लो ना अंकल, प्लीज। नहीं पापा, नहीं, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अंकल, अंकल और पीजिए ना। हाँ पीऊंगा, पीऊंगा। पापा और शराब नहीं पीना, आप पीकर सच बोल देते हो। पकड़े गए तो पुलिस आजकल बहुत मारती है। अंकल अंकल, बताइए ना, राधा की बहन राधा के माँ को कहाँ पे छुपा के रखा है? मत बताना पापा। अंकल अंकल, प्लीज बताइए ना, मेरी माँ और बहन को कहाँ छुपा के रखा है? अरे बता देता हूँ, बता देता हूँ। अपनों से क्या पर्दा भाई? हमसे क्या पर्दा? राधा, राधा भी अपनी, श्याम भी अपना। वो जो काली बाड़ी के पीछे खंडर है ना, उसमें मैंने राधा की माँ और उसकी बहन को छुपा रखा है। पापा आपने तो सब बता दिया। तो बता दिया,
अपनों से क्या पर्दा। अच्छा भाई गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा राकेश। हाँ पापा। हमारा ऐसे टेस्ट बिल्कुल सही निकला। राधा ने बाजी पलट दी है। शाम को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन लेकिन मेरा नाम भी हंसमुख खुराना है। लगता है वो लोग उन्हें कहीं और ले गए। चलो ये तो सोहन अंकल की गाड़ी है, शायद मंदिर में होंगे। चलो अंकल। अरे श्याम तुम? सर ये है राधा। नमस्ते। जीती रहो बेटी, श्याम तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। लेकिन सर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अभी अभी मैंने अपने जुड़वा भाई मोहन सिंह को एक पेशावर मुजरिम के साथ जाते हुए देखा है, जिसे जुर्म की दुनिया में लोग टकला और शराफत की दुनिया में हसमुख के नाम से जानते हैं। अंकल आप हसमुख को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। मासूम लोगों को अगवा करके उनकी जिंदगियों के बदले में बड़ी बड़ी रकमें वसूल करना उस हरामजादे का पुराना पेशा है। सर ये हसमुख की राधा की बाप का कातिल है। राधा की माँ और बहन को उसी ने किडनैप किया है। हम उन्हीं को तो यहाँ ढूंढने आए थे, लेकिन वो हमें नहीं मिले। घबराओ मत श्याम, मैं उस कमीने की रग रग से वाकिफ हूँ और उसके हर ठिकाने को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो चलिए सर, हमें राधा की माँ और उसकी बहन को उस दरिंदे की कैद से आजाद करवाना है। हाँ अंकल प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये मेरा वादा है कि आज दिन ढलने से पहले राधा की माँ और बहन उसकी कैद से आजाद होंगी। शाम तुम होटल जाओ और वहां मेरे फोन का इंतजार करो। राधा जानती हूँ, जब जब तुम मेरी बाहों में होती हो तो मुझे कैसा लगता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया के हुस्न शबाब से मिटकर मेरी बाहों में आ गई। अच्छा। हेलो श्याम। यस अंकल। राधा की माँ और उसकी छोटी बहन इस वक्त दोनों मेरे साथ हैं। सच? तुम फौरन मेरे घर चले आओ। हम अभी आते हैं। क्या बात है? राधा अंकल ने तुम्हारी माँ और बहन को आजाद करवा दिया। सच? ये क्या सर, आपकी आंखों में आंसू? श्याम राधा और उसकी माँ का प्यार देखकर मुझे तेरे माँ बाप की याद आ गई। माँ ये है श्याम। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटे। श्याम दुश्मनों को तुम्हारी तलाश है और दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरी राय है कि आज ही तुम राधा को अपने साथ लेकर लंदन चले जाओ। नहीं सर, राधा और मैं शादी करके ही लंदन जाएंगे, आपका और राधा की माँ का आशीर्वाद लेकर। अगर ये बात है तो आज और अभी मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम कर देता हूँ। थैंक यू सर। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहदशर्वाहा, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न इस्तारक्षो आरिष्टनेमी, स्वस्ति नोम बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यां पयोहदीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः, पयस्वती प्रदिश संतु मयम विष्णोरराटमसि। खुश रहो। मुबारक हो। मुबारक मुबारक। शादी की बर्बादी, मौत की वादी, सब कुछ मुबारक। यू ब्लडी बास्टर्ड। सर यही है वो कमीना, राधा के बाप का कातिल। मुझे गालियों का जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि आग पेट्रोल को नहीं छोड़ती, नेवला सांप को नहीं छोड़ता, और जब मैं पैसों का हिसाब जोड़ता हूँ तो मैं अपने बाप को नहीं छोड़ता। इसलिए आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 छोड़ूंगा। यू बास्टर्ड। सर
खामोश क्यों सर? तूफान आने से पहले बला की खामोशी छा जाती है शाम। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने यमराज को ब्रह्मा समझा, मौत को जिंदगी समझा, मझधार को किनारा समझा। मेरी आंखों को गौर से देख, इनमें तुझे तेरी चिता की जलती हुई आग दिखाई देगी, तुझे तेरी अस्थियों की राख दिखाई देगी। तेरी जिंदगी को मैंने जिस खाक में मिला दिया, तुझे वो खाक दिखाई देगी। ओह आई सी, तो जुड़वा भाइयों की कहानी एक फरेब था। वो तो इस कहानी का एक जबरदस्त मोड़ था, और अगर वो मोड़ तुम्हें पहले से पता लग जाता तो हमारी कहानी में गड़बड़ हो जाती ना भाई। हो जाती कि नहीं? हराम ज्यादा में तुझे। हाँ उछलो, और जोर से उछलो। कटने से पहले हर बकरा उछलता है, बुझने से पहले हर दिया फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता। तो तुम ही सब मेरे बाप के कातिल हो। सही पहचाना। अब तू अभिमन्यु की तरह महाभारत से भी बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है। धर्म और कानून की नजरों में राधा तेरी पत्नी बन चुकी है, और सबूत के तौर पर हमारे पास वीडियो कैसेट है। अब तेरा सब कुछ राधा का हो जाएगा दुनिया की नजरों में, पर तेरी जायदाद के असली मालिक हम होंगे, हम। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। बब्बर, ले जाओ इसे, और इसे भी बिल्कुल उसी तरह खत्म कर दो जिस तरह इसके बाप को खत्म किया था। और इसकी मौत भी कत्ल नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। मेरी शाम को छोड़ दीजिए, मेरी शाम को छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शाम को छोड़ दीजिए। ले जाओ इसे। अरे राधा, शाम की हत्या नहीं होगी तो तुम विधवा कैसे बनोगी? तुम विधवा नहीं बनोगी तो शाम की सारी दौलत तुम्हारे नाम कैसे होगी? और शाम की सारी दौलत तुम्हारे नाम नहीं होगी तो हमारी दौलत कैसे होगी? इसलिए शाम का मरना बहुत जरूरी है। बंद कर दो इसको भाई, बंद कर दो। जाओ जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, लो ला जाओ जाओ।